भारतीय जनता पार्टी के संसदीय कमेटी ने बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी को जीतने की तैयारी की है। भाजपा युक्त अध्यक्ष और चंदौली के सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पाटिल ने दोबारा चंदौली से प्रत्याशी रूप से किया। बड़ी बात यह है कि शंकर राज के बाद डॉक्टर महेंद्र नाथ पाटिल को बड़ा प्राप्त किया माना जा रहा था। इसको देखते हुए ब्राह्मण डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे हम सबके लोकप्रिय सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनको टिकट मिलना इस चंदौली का वापस से सौभाग्य है हम कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि उन्होंने जो विकास कार्य किए हैं उसका कोई सानी नहीं है। पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के बाद वो पहले ऐसे सांसद हैं इस चंदौली के जिन्होंने अपने कार्यों से अपनी क्षमता का लोहा मनवाया है और चंदौली लोकसभा के सभी जो मतदाता हैं उनका एक ही नारा है, देश में नरेंद्र और चंदौली में महेंद्र। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी को यहाँ से टिकट मिला है, हम सबका सौभाग्य है, जनता का आशीर्वाद है और कार्यकर्ता उत्साहित हैं, नारा लगा रहे हैं हम लोग कि पहली बार नहीं दूसरी बार महेंद्र पांडे बारंबार। विकास पुरुष महेंद्र पांडे जी हैं जिन्होंने चंदौली की धरती पर ऐतिहासिक काम किया है, जनता का आशीर्वाद है, हम सब लोग उत्साहित हैं कि लाखों मतों से डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे चंदौली से पुनः विजयी होंगे। महेंद्र नाथ पांडे जिंदाबाद। देखिए सर्वप्रथम तो हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को हम धन्यवाद देते हैं कि ऐसे जुझारू कार्यकर्ता जिनके बदौलत जिसे कहा जाता है कि चंदौली जो कि धान का कटोरा है, ऐसे धान के कटोरे वाले जिले में कभी नाम हुआ करता था कमलापति त्रिपाठी का, लेकिन आज अगर आंकड़ों में देखा जाए तो डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी ने यहाँ का सांसद बनकर के चंदौली जनपद का सांसद बनकर के विरोधियों का नस्त नाबूद खत्म कर दिए और जितना कमलापति त्रिपाठी जी ने कार्य किया था उससे अधिक उन्होंने कार्य किया, इसीलिए पार्टी ने पुनः उन पर विश्वास करते हुए 2019 के लोकसभा चुनाव में दोबारा टिकट देने का कार्य किया है। इस शीर्ष नेतृत्व को हम बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं और साथ ही यह विरोधियों के लिए अब तो शर्म की बात हो गई। अभी तक तो अपनी कोई भी हमारी कमियां नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन अब वो समझ गए हैं कि अब वो किसी भी पार्टी को यहाँ पर उतारते हैं अपने पार्टी से तो उनका हार निश्चित है, क्योंकि महेंद्र नाथ पांडे जी को विकास पुरुष के नाम से पहले भी जाना जाता था, अब भी जाना जाता है और हमको पूरा विश्वास है कि माननीय सांसद जी अब की बार चंदौली को पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 लोकसभा बनवाने का कार्य करेंगे।